Okay, Hind Defence aspirants. I hope you all are doing good. So today we are here with the topic, the various commands of the Indian Army. As you know that there are six operational and one training command of the Indian Army, and this topic is generally asked, and you should have the knowledge about this. So as we all know, headquarters are in New Delhi. Then we have Southwestern Command. The Strike Corps is under it. Southern Command, Pune. ट्रेनिंग कमांड शिमला वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर यू विल टेल मी वेयर चंडी मंदिर इज लोकेटेड इन विच स्टेट इज इट इन पंजाब और इज़ इट इन हरियाणा नॉर्दर्न कमांड उधमपुर ईस्टर्न कमांड कोलकाता एंड सेंट्रल कमांड लखनऊ सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल्स कब ये कमांड्स बनी वैन वर दीज कमांड्स एस्टेबलिश्ड वॉज देर एनी चेंज इनके स्ट्रक्चर में कभी कोई चेंज आया और कैसे ये काम करती हैं इनको किस लेवल का एक ऑफिसर जो है किस रैंक का ऑफिसर लीड करता है उस ऑफिसर को क्या बोलते हैं और अभी करंट में इन सारी कमांड्स के जीओसी एनसी सी इन सी हैं कौन ठीक है तो लेट अस स्टार्ट सो कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है फर्स्ट यू शी यू सी जस्ट दिस दिस थिंग व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल देयर वॉज एन आर्मी फॉर ईच प्रेसिडेंट द प्रेजिडेंसी आर्मीज वर अबॉलिश्ड ऑन एप्रिल वन एटीन

साउथ वाला रफली हिस्सा है और यहाँ पे कहीं इसका हेडक्वार्टर है जो कि है पुणे महाराष्ट्र में और ये किस किस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है अभी देखते हैं और कौन इसको हेड कर रहा है सो सदन कमांड नाइनटीन में बनी और अभी जो इसके चीफ हैं जो इसके जी हैं चीफ इज नॉट अ करेक्ट वर्ड टू बी यूज प्लीज रिमेंबर वी ऑलवेज यूज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जीओसी तो जीओसी साहब कौन है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो भी हमने पहले देखा वो ऐसे बनी थीड ऑफ फोर्थ क्वेटा डिवीजन क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वेटा आज कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया में है पाकिस्तान में अफगानिस्तान में है महो डिवीजन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस नेम आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एम एच ओ डब्ल्यू इसकी एक फुल फॉर्म है मिलिट्री ऑफ वॉर और यहाँ पे इंडियन आर्मी का इंफेंट्री स्कूल है और भी मेजर डिफेंस इंस्टोलेशन है यहाँ पे द so, का डिवीजन था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू सदन कमांड वॉज रिफॉर्म्ड एज सदर आर्मी इन अप्रैल आपको पता है सदन कमांड इन नवंबर 1945 फिर वापस यही बन गया इन अगस्त 1947 सदन कमांड हैड द डेक्कन मद्रास एंड बॉम्बे एरियाज विद एट मद्रास एंड बॉम्बे द सदन कमांड हैज हैज सिंस 1908 विद इट्स इन पुणे तो पहले इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे थे पुणे ठीक है पुणे और अभी सदन कमांड का हेडक्वार्टर कहां है अगेन इट इज इन पुणे ठीक है प्लीज रिमेंबर डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग

जम्मू एंड कश्मीर ओके सो नॉर्दर्न कमांड हो गया ईस्टर्न कमांड ईस्ट सो अभी ईस्टर्न कमांड के जीओसी कौन है जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अब इतनी बार बोल चुका हूं कि अब आपको पता हो जाना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर जीओसी इन चीफ जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी फर्स्ट जनवरी 2024 को इन्होंने टेक ओवर किया है जीओसी सी On 1st November 1920, the Eastern Command was formed with its summer headquarters in Nainital and winter headquarters in Lucknow. अभी हम आगे देखेंगे कि आर्मी की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है तो ये कैसे कब रिप्लेस हुआ जनरल सर हैवलॉक हटसन के सी बी के सी आई प्लीज़ कंसिडर इट योर होमवर्क आप एक बार ये मुझे देख के बताएँ आप अक्सर देखेंगे कि जो ऑफिसर्स प्री इंडिपेंडेंस कमीशन हुए थे इंडियन ऑफिस उनके नाम क्या गया? आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ठीक है फर्स्ट आर्मी कमांडर द कमांड इज कमांडेड बाई थ्री स्टार जनरल ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेट जनरल जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड जीओसी हेडक्वार्टर कहां पे है फोर्ट विलियम कोलकाता ठीक है सो आई होप दिस मच इज ऑल्सो क्लियर लेटस मूव टू द नेक्स्ट वेस्टर्न कमांड वेस्टर्न कमांड के बारे में देखते हैं

और उसका रिप्लाई आपको यहाँ पे मिल गया है अगर आपने वीडियो को स्टार्ट में देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ सो so, ये चंडीगढ़ के पास में ही एक जगह है और ये टेक्निकली हरियाणा में आता है ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो वेस्टर्न कमांड हो गया हमारा अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल कमांड सेंट्रल कमांड लखनऊ जैसा मैंने पहले बताया लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता जीओसी साहब है यहाँ पे सेंट्रल कमांड वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी टू डूरिंग वर्ल्ड वॉर टू एंड देन डिसबैंड इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स क्योंकि ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे लगा अब इसकी कोई जरूरत है नहीं खास तो उन्होंने डिस्बैंड कर दिया फिर से इसको फर्स्ट में नाइनटीन सिक्सटी थ्री मीस पोस्ट पार्टीशन इसको रेज किया गया ड्यू टू द साइनो इंडियन वॉर ऑफ नाइनटीन सिक्सटी टू क्योंकि आप ये देखोगे कि ये जिस एरिया में इसका हेडक्वार्टर्स है वहाँ से थोड़ा सा एक्सेसिबल रीजन है चाइना के साइड वाला इट इज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन लखनऊ उत्तर प्रदेश और यहाँ से आप बरेली एंड अदर एरियाज को आप यहाँ से एडमिनिस्टर कर सकते हो प्रायर टू दैट डेट लखनऊ हैज बीन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड ये हमने पहले भी देखा कि लखनऊ हैज़ बीन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा आगे देखते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड वेरी इम्पोर्टेंट आर ट्रैक तो जैसा आप सब ना वेरियस ट्रेनिंग अकेडमीज में जाना चाहते हैं ओ टी है ना ये सारा कुछ जो है आर्मी का इट इज अंडर द आर्मी ट्रेनिंग कमांड शॉर्ट में आप इसको आर ट्रैक बोलते हैं ठीक है अगेन इट इज ऑल्सो हेडेड अ लेफ्टिनेंट जनरल ठीक है वेन आई वॉज इन ट्रेनिंग आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर ही वॉज द जी ओ सी सो आर्मी ट्रेनिंग कमांड वही हेड कर रहे थे उस टाइम पे शायद लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ये हैं अभी आर्मी Command, abbreviate, Army, remember, कमांड ट्रेनिंग कमांड को हेड कर रहे हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड इंडियन आर्मी द आर्मी ट्रेनिंग कमांड वॉज एस्टेब्लिश ऑन फर्स्ट अक्टूबर एट महो मैंने पहले ही बताया इसको कुछ लोग मऊ पढ़ते हैं कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे बट रिमेंबर इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर ठीक है इंदौर के पास में है मध्य प्रदेश में एंड मूव टू शिमला ऑन दिस तो ओरिजिनली ये वहां पे था फिर शिमला में इसको 93 में लेके आया गया द मेन एम ऑफ द कमांड इज टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग इट इज बेस्ड इन शिमला हिमाचल प्रदेश ठीक है आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे है शिमला हिमाचल प्रदेश में है और ओके okay. तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड भी हो गया अब हमारा आता है साउथ वेस्टर्न कमांड सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ, एक मिनट ये जयपुर राजस्थान इसका हेडक्वाटर है तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि दिस कमांड बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर्स गुजरात राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह इज द जी ओ सी साहब जी ओ सी एन सी द साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडिया आर्मी वॉज इस्टेब्लिश ऑन फिफ्टीन अप्रैल 2005 मतलब दिस इज अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट है ना तो हमें कुछ लगा कि हो सकता है हमारा एनिमी जो है 99 कारगिल के बाद कुछ कर सकता है देन पार्लियामेंट्री अटैक पार्लियामेंट पे जो हमारा हमारे अटैक किया उन्होंने एंड बिकेम फुली ऑपरेशनल ऑन 15th अगस्त 2005 द कमांड्स ऑपरेशनल यूनिट्स इंक्लूड फर्स्ट कोर एंड 10th कोर इसको हम स्ट्राइक कोर भी बोलते हैं ठीक है हेड क्वार्टर्ड इन मथुरा स्ट्राइक कोर फॉर्मली अंडर द सेंट्रल कमांड एंड वेस्टर्न दोनों कमांड्स के अंडर में थेडक्वार्ट अंडर लेफ्टिनेंट जनरल और आपको पता है कौन है मंजिंदर सिंह साहब है ठीक है एंड द हेडक्वार्टर इज इन जयपुर राजस्थान ओके साउथ वेस्टर्न कमांड के बाद ये एक छोटा सा स्लाइड यहाँ पे बनाया ताकि आपको क्विकली पता चल जाए कि कौन सा ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है ठीक है अब जैसे आप देखोगे नॉर्दर्न कमांड ऑपरेशनल है ऑपरेशनल 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 लेकिन ये क्या है ट्रेनिंग कमांड तो यहाँ पे भी लिख दिया है ठीक है ऑपरेशनल ऑपरेशनल और यहाँ पे है ट्रेनिंग कमांड ये इसके हेडकोार्टर्स हैं प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर आप Uh, भले एक बार देखो लेकिन इसके नोट जरूर बना लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये क्लेम करते हो इन एसएसबी दैट सर आई एम वेरी मच मोटिवेटेड आई वांट टू सर्व द नेशन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक्सपेक्ट्स दैट यू विल नो एट लीस्ट बेसिक्स अबाउट द इंडियन आर्मी राइट सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग अब यहाँ पे एक नई चीज़ आती है थिएटर कमांड तो उस थिएटर कमांड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अभी ऐसा आ, ऐसा सोचा जा रहा है कि थिएटर कमांड जो है वो बने जैसे हमें पता है कि रफली अगर मैं इस तरीके से बात करूं ये गुजरात मान लेते हैं ये हमारा साउथ का पार्ट मान लेते हैं तो यहाँ पे सी भी है और इधर के जो हमारे बॉर्डर्स हैं कश्मीर वाले वहाँ पे लैंड है दोनों साइड में और एयर सुपीरियरिटी तो आपके पास होनी ही चाहिए तो एयरफोर्स की भी ज़रूरत है तो अभी तक कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया जहाँ पर हम तीनों चीज़ों को यानी कि Uh, हमारी नेवल uh, वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी है हमारे एयर वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी है और हमारे फौज के जो आर्मी की वॉरफेयर की कैपेबिलिटी उनको हम एक साथ करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है थिएटर कमांड इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन टू कंट्रोल ऑल मिलिट्री एसेट्स यहाँ पे ऑल मिलिट्री एसेट्स से मतलब आपका नेवी एयरफोर्स और आर्मी तीनों है टू अचीव मिलिट्री एफेक्ट्स अ ज्वाइंट कमांड इज कॉल्ड अ थिएटर कमांड इन मिलिट्री पारलेंस ये मतलब होता है वे टू एक्सप्रेस ठीक है ऑफ ये इट प्लेसेज द रिसोर्सेज ऑफ ऑल फोर्सेज एट द कमांड ऑफ अ सीनियर मिलिट्री कमांडर जैसे मान लेते हैं अभी मैंने बोला कि लेफ्टिनेंट जनरल जी होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर तो उनके पास किसके सारे रिसोर्सेज हैं फौज के आर्मी के है ना वो ये नहीं कह सकते एयरफोर्स को बट जब हम यहां पे तीनों विंग्स को नेवी एयरफोर्स और आर्मी तीनों को मिला के जब एक कमांड बनाएंगे तो उसका कोई भी ऑफिसर जो भी होगा मान लेते हैं वो नेवी से है तो उस टाइम पे वो आर्मी के ट्रूप्स को भी कमांड कर सकता है उसके फॉर्मेशन को भी कमांड कर सकता है और वो एयरफोर्स नेवी किसी के भी कर सकता है क्योंकि वो एक बेसिकली क्या है थिएटर कमांड है और थिएटर कमांड का मतलब ही ये है कि वहां पे वो इंटीग्रेटेड कमांड है जैसे अभी हम देखें अंडमान एंड निकोबार कमांड अंडमान एंड निकोबार कमांड ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया इन टू जीरो जो आज के टाइम पे थिएटर कमांड की जो बात हो रही है ये उस तरीके से प्रॉपरली वैसी नहीं है आफ्टर द कारगिल वॉर इट इज अ वेरी स्मॉल कमांड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर हैज बीन अ डिमांड टू रिवर्ट द कंट्रोल ऑफ कमांड परमानेंटली टू द नेवी की पूरा नेवी को ही कंट्रोल दे दो बड़ा ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है स्ट्रेटेजिक एंड फोर्सेज कमांड एस ये क्या है आपके न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर आर्सेनल से डील करता है उनको हैंडल करता है तो आपको पता है ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है ठीक है अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एन का पार्ट है ये उनको ही रिपोर्ट करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन्स ये कब बनी थी ये भी पता होना चाहिए जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स जनवरी फोर टू जीरो जीरो थ्री दो हज़ार तीन में ये बनी थी ठीक है अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है चीज़ें इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है सिर्फ फैक्ट्स हैं तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं उसके बाद द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद द करंट स्ट्रक्चर अभी देखो आप एयरफोर्स नेवी और आर्मी सबको मिला लोगे ठीक है ना तो सेवेंटीन कमांड्स हैं अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं ठीक है जैसे सेंट्रल कमांड एयरफोर्स लोकेटेड इन प्रयागराज फॉर्मरलीह उसी तरीके से सेंट्रल कमांड इंडियन आर्मी का वो कहाँ पे है वो लखनऊ में है ठीक है नेवी के पास सेंट्रल कमांड है ही नहीं और ट्रेनिंग कमांड भी नहीं है ठीक है एयरफोर्स के पास एक मेंटेनेंस कमांड अलग से है तो इन एडिशन देर आर टू ट्राई सर्विसेज कमांड स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड एंड अंडमान एंड निकोबार कमांड ठीक है ये हमने देख लिया यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है रोटेशन बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द थ्री सर्विसेज इनको अलग अलग ऑफिसर्स uh, जो हैं अलग अलग आर्म से वो इनको हेड करते हैं जैसे नेवी से हो गया फिर आर्मी से हो गया फिर एयरफोर्स से हो गया फिर से ये रोटेशन चलता रहता है ठीक है और इसके अलावा जो ये है ये हमने देख लिया कि हमारी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके साथ डील करती है और 2003 में इसको बनाया गया था एक कंटिन्यूस डिमांड्स है जो आ, आ, बड़े स्कॉलर्स हैं ऐसे फ़ौजी जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स रहे हैं लाइक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर जिनके आप पॉडकास्ट वग़ैरह भी देखते हैं जो लिखते हैं तो इस लॉट से कई बार ये डिमांड आई है कि एक अलग से जो कमांड है वो बननी चाहिए ठीक है सो दैट वॉज इट आई होप आपको समझ में आया होगा प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्लीज़ स्टडी वेल एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू जय हिंद